मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की। सर बहुत स्वागत है आपका। सर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो जारी किया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के संबंधों को लेकर के, सर चूंकि आपने कई सारे चुनाव देखे हैं, तमाम चुनाव प्रचार के अभियान की आपने कमान संभाली है, सर ऐसी जरूरत क्यों पड़ जाए कि हम किसी एक नेता के इतने व्यक्तिगत रिश्ते पर, जो शायद दुनिया के सबसे अच्छे संबंध, जो माता, जो माँ बाप का, माँ बेटे का, पिता पुत्र का जो संबंध होता है, माँ बेटे का जो संबंध होता है, पिता और बेटी का जो संबंध होता है, माँ और बेटी का जो संबंध होता है, तो ये इन संबंधों की मधुरता के बीच में इस तरीके के जब आरोप लगाए जाते हैं, आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है राजनीति में? क्यों इतना नीचे गिर जाना पड़ता है? क्यों इस तरीके के बयान देकर के सामने आना पड़ता है? जरा आंसर। देखिए सर, एक बात तो ये है कि आदमी जब तर्क का जवाब वितर्क से नहीं दे सकता तब वो कुतर्क पे उतर आता है। तो ये एक तरह से देखे तो कुतर्क पे उतर आने की बात है, संस्कार की बात भी नहीं। यही है कि कहा जाता है हमारे में कि अगर आप राजरानी से झगड़ा मोल लोगे तो राज दरबार देखोगे, उदासी से झगड़ा मोल लिया तो घर के कोने में घुस जाना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करेगी कि आप उसके सामने नहीं टिक पाओगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आखंडे तक अपनाती रहती है, उनके लिए एक ही बात एक ही बात इनके लिए काफी है, वो जीतना है, कैसे भी जीतना है। और सत्ता के सिवा इनको कोई बात से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है गलत है। हर एक आदमी की कुछ न कुछ तो व्यक्तिगत बाबतें होती है, कुछ न कुछ कुटुंब से जुड़ी हुई बाबतें होती है, या किसी को आप कहो कि इसके ये इसके साथ ये जुड़ा है, इसके साथ ये जुड़ा है, कोई शादी करके भी बीबी के साथ नहीं रहता, और जिसका एक घर नहीं होता उसके कई घर बस जाते हैं। तो ये सब यही बात है ना मूल। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते नहीं है तो बाकी इनकी जो परिस्थिति है वो नहीं कह सकते, ऐसी तो नहीं है, कह सकते हैं। कई ऐसे नेता हैं इनके जिन्होंने इस तरह का वो किया है, मगर वो खुद अपने नेताओं को नहीं छोड़ती जैसे संजय गांधी की सीढ़ी बना ली थी, संजय गांधी की सीढ़ी बना ली थी और उनको तब से साइड में कर दिया। और राम माधव के बारे में ऐसा कुछ हुआ था तो बात मुगर में चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, मैं मानता हूं कि इसे नजरअंदाज करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप आपकी लड़ाई मर्द की तरह लड़िए, जैसे गदा युद्ध में भी कटी के नीचे प्रहार नहीं किया जाता, युद्ध के नियम होते हैं, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, ठीक उसी तरह आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव की, वो ये पार्टी के प्रिंसिपल्स की बात करें, पार्टी की अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टी ने कुछ गड़बड़ की है, कहीं कोई उन लोगों ने कोई दफे किए हैं या इरेग्युलरिटीज की है उसकी बात करें, वो बात नहीं करते हुए आप व्यक्तिगत बातों पर तब उतर आते हैं जब ऐसे कोई मुद्दे आपके हाथ में नहीं है और आपके पास इसके अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है कि इससे, तो ये तर्क नहीं है इनके पास, वितर्क भी नहीं है, तो कुतर्क पे उतर आते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये एक शख्सियत है, मुझे उससे कोई राय नहीं लगता क्योंकि वो अपने लोगों के लिए भी यही हथकंडे अपनाते हैं। नहीं, ये तो सर ये तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संबंधों को अगर हम टारगेट करें और ये भाई इस तरीके की चीजें, वो उनके निजी से भी निजी चीजें, अगर उनके बीच में कोई विवाद है भी, सभी के घरों में हो सकता है, तमाम लोगों के बीच में विवाद होता है, लेकिन
जब तक कोई विवाद सार्वजनिक मंच पे नहीं आता है तब तक हम सर किसी के लिए कैसे कह सकते हैं कि नहीं उसके संबंध ऐसे हैं, उसके संबंध खराब हैं? अरे भाई ये मुद्दा आप क्यों उठाएंगे? अगर कांग्रेस के अंदर से इस तरीके के मुद्दे उठते तो बात समझ में आती है, तब फिर आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, उस मुद्दे को आगे ले जा सकते हैं। मुझे तो सर अगर ऐसा कांग्रेस के अंदर से तो कहीं से मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप अगर आपके यहाँ कोई ऐसी बात होती हो, कोई चर्चा होती हो तो उसका भी उल्लेख करिए। और दूसरा ये कि सर जो इस तरीके के जिन आरोपों की मैं बात कर रहा हूँ, भाई आखिर आपका क्या अधिकार है, किन अधिकारियों के तहत आप ये बात उठाने की कर रहे हैं? देखिए गलत है, ये नहीं करना चाहिए, हताशा का सूचक है और आप युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते। आपके नेताओं के बारे में भी अगर जो व्यक्तिगत बातें उछालनी है तो इससे भी गंदी बातें इनके नेताओं के बारे में कही जा सकती है, मगर कांग्रेस आज तक ऐसा नहीं किया न करती है। इसीलिए एक एक जो पार्टी है वो सज्जनता के रास्ते पे, नियमों के रास्ते पे चलती है। आप संपूर्ण तरीके से निर्वस्त्र होके मैदान में आते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो छवि, वो बोलते हैं इट इज पार्टी विथ डिफरेंस। यस इट इज अ पार्टी विथ डिफरेंस बिकॉज देयर डिफरेंस इज विद इन द पार्टी नाउ मोर प्रोमिनेंट देन व्हाट दे वेयर। एंड ये कोई किसी नियम का पालन नहीं करते, किसी को मान अपमान, नहीं तो विधानसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में भी किसी को संबोधन करते हैं तो पहले तो स्पीकर को करते हैं, वो किसी को सीधी बात नहीं की जाती जिसके बारे में कोई आपने पहले से जान न की हो, ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किए जाते। आप जिसकी प्रूफ न दे सको उस तरह के कोई भी किसी पे आक्षेप मढ़े नहीं जाते। आप भाषा भी एक तरह की पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं, किसी भी तरह की भाषा का भी यूज नहीं किया जाता। ये सब नियमों से आप गृह के अंदर बंधे हो। अब तो गृह की भाषा भी बिगड़ने लगी है, गृह में भी तूतारी पे आ जाते हैं, गृह में भी किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग होता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम कोई हमारे संस्कार को बैठे है? वैसे संस्कृत में श्लोक है कि उत्तम आत्मना ख्याता पितु ख्याता से मध्यमान, उत्तम आत्मना ख्याता पितु ख्याता से मध्यमा, कनिष्ठा मातुला ख्याता ससुरा अधमा अधमा। यानी उत्तम जो व्यक्ति है वो खुद अपने आप से ख्याति प्राप्त होता है। तो आप जब मैदान में उतरते हैं एक वन एस टू वन आप दूसरे से बात करते हैं, वो आपके बारे में बात करता है, आप उनके बारे में बात करते हैं, तब ये बात आप क्यों भूल जाते हैं कि व्यक्ति का चार चरित्र जो है वो चुनाव के लगत और चुनाव के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसको आप कोई भी बात से जोड़ते हो तो हर के बारे में कही जा सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता है कि जिनके बारे में आप ये बात नहीं कह जाती, कोई कहां किसी का कोई प्रकरण चल रहा है, किसी के साथ किसी का कोई कांड चल रहा है, वो कहना चाहे तो कई चीजें कही जा सकती है। किसी के सामने किसी के हस्बैंड ने पत्र लिखा है और अपनी पत्नी के साथ गैर व्यवहार का आक्षेप किया है, कहा जा सकता है, और कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया। तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो प्रवृत्ति है निंदनीय है, नहीं करनी चाहिए, मगर लोग का सिद्धांत है कि जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा उसको मिलता है। प्रजा जब ये सब सहन करने की आदि हो जाती है तो मैं मानता हूं कि राजा भी ये बात करने में कोई सोच नहीं उसको अनुभव होता है। तो गलत है, नहीं करनी चाहिए, सही बात है। आप विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में नियमों से बद्ध होकर बात करते हैं, वहां नॉन पार्लियामेंट्री शब्द नहीं उपयोग में लिए जाते, तो फिर ये सब चीजें आपको जब बाहर हैं तभी भी इसका पालन किया जाना चाहिए, मगर नहीं होता है। अभी आप देखिए बजट के साल में कई बार बजट के साथ जुड़ी हुई बातें डिक्लेयर होती है, बजट सेशन आने वाला है तब अखबार में कोई चीज की जाहिरात नहीं करनी चाहिए, होती है, कोई पूछता नहीं है। तो अब वो हर तरह की बातें जो आप कहते हैं, आपके पास नंबर है तो हो जाती है,
मैं मानता हूँ कि लोकशाही का पतन है और हम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इस अधपतन में काफी बड़ा प्रदान दिया है आने वाले कल के लिए। इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया, आज वो कहते हैं कल तक कोई सहन करेगा, परसों यही बात उनके बारे में इससे भी खराब तरीके से कही जा सकती है। कांग्रेस नहीं कहती है, वो उनके सज्जन दल है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो उनका चरित्र है और उनकी खुद की पर्सनैलिटी से बाहर आती है। चलते चलते जयनारायण सर, बस एक बहुत जल्दी से एक जवाब सर, प्रियंका गांधी जिस तरीके से उन्होंने पहले हिमाचल में मोर्चा संभाला, फिर कर्नाटक में भी मोर्चा संभाला, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा जब बयान दिया हिमाचल की जीत के बाद, तो उन्होंने ये बात कही भी, उनका धन्यवाद भी किया प्रियंका गांधी के लिए, हालांकि भाजपा ने इसको नहीं माना, भाजपा कह रही क्रेडिट नहीं देते हैं प्रियंका को। लेकिन सर एक सवाल मेरा अलग है, क्या पार्टी में ऐसी कोई चर्चा चल रही है या नहीं, एक उस पर भी बता टिप्पणी दे दीजिएगा जो मैं सवाल पूछ लूंगा, और बाकी जो हुए सर ये भाजपा का जो वीडियो है उसमें उन्होंने वाराणसी का भी जिक्र किया है कि वाराणसी से चुनाव लड़ा करके प्रियंका गांधी के कैरियर को खत्म करने की साजिश की जा रही है कांग्रेस में, ताकि राहुल गांधी का जो महत्व है वो बना रहे। सर क्या मेरा जो सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जब एक सीट पर एक उम्मीदवार की बात आ जाएगी तो ऐसे में वाराणसी पे अगर प्रियंका चेहरा बन जाती है कांग्रेस की तरफ से तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो टफ हो जाएगा, कड़ी टक्कर दे पाएंगी? और दूसरा ये कि क्या ऐसी कोई चर्चा है पार्टी में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की? कांग्रेस का एजेंडा भाजपा नहीं सेट कर सकती। जैसे आपको वेस्ट इंडीज के साथ क्रिकेट मैच खेलना है तो आप ये कहोगे कि इसने इस ओपनिंग में आके इतने सारे रन मार दिए नहीं तो हम जीत जाते, ये वाहियात थी। दूसरी बात यह है कि घर में जो वरीद है, मुखिया है, वो मुखिया को फर्स्ट बिहेव करना होता है। आप राजकर्ता है इसीलिए आपकी ये क्रिटिसिज्म होती है, आप राजकर्ता नहीं होते तो कुछ नहीं होता। तो ये बात इनकी गलत है कि हम एक एजेंडा बना के भाजपा को क्रिटिसाइज करें, नहीं, आपका बिहेवियर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर राजा के अनुसार नहीं है। और इसमें राय साहब एक छोटी सी बात है, अकबर ने बीरबल को पूछा कि आदमी की परख कैसे हो, तो बीरबल ने एक अच्छे से जवाब दिया कि वो तो सूर्यास्त भी कर सकता है। तो अकबर ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, बस थोड़े दिन के बाद मैं जवाब दूंगा। तो थोड़े दिन के बाद उसने राज दरबार में जाने के रास्ते में सूर्यास्त इसको बैठा दिया। पहले वो व्यवस्था देखने के लिए सिपाही आए तो उन्होंने बोला अबे वो अंधे रास्ते में क्या बैठा है, साइड हो जा। तो वो बोला हाँ सिपाही साहब मैं हट जाता हूँ। फिर उसके बाद सेनापति जी आए बोले सूर्यास्त रास्ते में बैठे हो आप, पता नहीं है आपको जी सेनापति जी। प्रधानमंत्री आए उन्होंने बोला अरे सूर्यास्त ये रास्ते में बैठने से तो आपको तकलीफ होगी, ठीक से बैठ जाओ, बोले जी प्रधानमंत्री जी। फिर बीरबल ने बोला कि अकबर को कि आप जाओ, आप अकबर गए तो उन्होंने बोला अरे सूर्यास्त जी आप रास्ते में बैठे आओ, आपको मैं ठीक जगह बैठा देता हूँ। तो ये भाषा है वो आदमी का परिचय है, ये जो राजा राजा की भाषा बोलता है और छोटा आदमी छोटे आदमी की भाषा बोलता है। आप राज करने बैठे हैं तो आप पे हर कोई की नजर है, आप कुटुंब के मुखिया है, आपकी फर्ज बनती है कि आपके आचरण से या उच्चारणों से आप ऐसी बातें न करें जिसकी कल उठ के कोई और इससे भी नीचे जाने की कोशिश करे, नहीं तो कोई इसमें फिर जो और आपने जो शब्द यूज किया वो बहुत सही है, राजनीति शब्द है, हमने राजकारण कर दिया है। नीति आधारित राज्य व्यवस्था को राजनीति बोलते हैं, कारण आधारित यानी मुझे कैसे भी करके इसको गिराना है और ऑपरेशन लोटस करो या जो भी करो मुझे गद्दी हथियानी है, ये राजकारण है, राजनीति नहीं है। तो ये जब चीजें हम देखते हैं तब हमें पता चलना चाहिए कि ये जो भाजपा कर रही है वो ठीक नहीं है। बाकी रही परिवार की बात, तो ये तो भाजपा की मातृ संस्था ही ऐसे है कि जहाँ परिवार होते नहीं तो परिवार की समझ भी उनमें नहीं होती, क्योंकि परिवार है तो परिवार की समझ होती, इसीलिए वो अपनी संस्थाओं को परिवार का नाम देते हैं।
ये जिस आदमी ने, चाणक्य ने बोला है कि अगर वानप्रस्थ आश्रम से पहले कोई आदमी सन्यासी हुआ दिखाई दे आपको तो उसको फौरन कैदमेंट दीजिए, क्योंकि या तो पड़ोसी राज्य का जासूस हो सकता है या वो कोई कायर आदमी है जो अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों से बाग खड़ा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, तो आप इनके पास से परिवार की अपेक्षा कैसे करोगे? मैं तो इनका कोई परिवार है और सब भूमि गोपाल की करके रहने वाले लोग हैं, तो इनके पास से मैं मानता हूँ कि अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका बैकग्राउंड भी है, ट्रेनिंग भी है, उनकी मानसिकता भी है, और इसी वजह से ये अंत में भाजप के जो अभी नए नए जो लोग कार्यकर्ता के रूप में निकले हैं, हर तरह के लोग हैं उसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इंजीनियर्स भी है और भी है, वो उनको एक ही चीज दिमाग में है और वो दिमाग में उनके डाला गया है कि भारत में आजादी 2014 के बाद आई, उसके पहले भारत गुलाम था, भारत में कोई स्वतंत्रता नहीं थी, भारत की कोई दुनिया में कीमत नहीं थी, अब जाके आजादी आई है। तो उसका परिचय हमें दक्षिण अफ्रीका में मिल गया, जब सांप को बैठे रहना पड़ा विमान में और उनके विदेश मंत्री और कमिश्नर वहां हाई कमिश्नर दूर खाते रहे। तो ये चीजें, ये इमेच्योरिटी क्यों आपकी? मैं नहीं उतरूंगा, आप एक देश के क्या हो? अगर आपका कहीं इंसल्ट भी हुआ है तो हंसते हंसते इसको ब्रश असाइड कर लो कि नहीं ऐसे, साउथ अफ्रीका तो हमारा मित्र देश है, वहां हमारा इंसल्ट कैसे? तो ये लोगों के पास राजनीति का न तो विरासत है न समझ है। राजनीति को ये समझते हैं डंडेबाजी करना, पावर का उपयोग करना, पैसे बनाना और बाकी के ऐशो आराम करना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सज्जन कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी का क्रिटिसिज्म करते हैं, नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, हम क्रिटिसिज्म करते हैं आप लोग जिस तरह की गंदगी जाहिर जीवन में ला रहे हो, जिस तरह के आपके आचार विचार से आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, उसके लिए हम चिंतित है, क्योंकि ये देश अनंत काल तक आपको किसी ने गिरवी नहीं दिया है, लोकशाही है, आज आप हो कल उससे कोई आएगा, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है एनी और रूलिंग पार्टी कि आप जिम्मेवारी से अपना काम करो। और अकबर और बीरबल वाला जो एग्जाम्पल है, भाषा तो राजा की राजा जैसी ही होनी चाहिए, आप विपक्ष में हो तो थोड़ा भी बहुत तो आपको फिर भी अग्रेसिव होने का अधिकार है, मगर आप राजा हो तो। अंत में राय साहब, एक छोटी सी बात हमारे कन्हैयालाल मुंशी साहब ने लिखी है, पाटन की प्रभुता करके उनकी नॉवेल है, पाटन का महाअमात्य और अवंती के महाअमात्य इकट्ठे होते हैं, गजनी आने वाला है तो वो आगाह करने आए हैं अवंती से, युवा है वो, पाटन का महामंत्री है वो खड्डूस है, उसको लगता है कि इसमें अवंती का हाथ ऊपर रहेगा, तो नहीं मानते तो गुस्से हो जाता है, बोलता है मैं मुझे दिखाई दे रहा है गुजरात के युवा युवती गजनी के बाजार में बिकेंगे। तो वो मुंजाल जो पाटन का महामंत्री है उनको कहता है कि आपको मालूम है अगर आप दूत नहीं होते तो मैं आपको कैद में डाल सकता था। तो उसके मुंह में जो शब्द लिखे हैं कन्हैयालाल जी ने, वो कहता है कि देखो ये धमकी तो जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता, सत्ता और सामर्थ्य नहीं होता, वो देता है, मेरे पास तो दोनों है, आपके पास सत्ता भी है सामर्थ्य भी है और हर तरह की एजेंसियों को आपने अपने सबोर्डिनेट कैडर बना रखा है, तो आप किस लिए चिल्लाते हो? बाहर बोलने की कहाँ जरूरत है, आप किसी को भी अंदर कर देते हो। तो ये बातें हैं, उनको संयम रखना चाहिए भाषा पे, और किसी के अंदरूनी उन्हें क्या करना चाहिए, कांग्रेस को किसको नेता बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए, प्रियंका जी को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए कहाँ से नहीं लड़ना चाहिए, तो आपकी तरह वो घबराए हुए नहीं है कि राज्यसभा के रूट से आएंगे, चुनाव लड़के आएंगे, पब्लिक का लीडर है, तो ये बात है। सियासत में सर, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या जो विपक्ष में बैठा हुआ दल है, अब हमारा चूंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है, इसलिए मैं आपकी बात जो है फिर किसी अभी दूसरी चर्चा में और उसको कर लेंगे।
अब फिलहाल आज हमारे इस चर्चा में इतना ही। चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर जयनारायण सर, मानसी भार्गव जी और शशि जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मानसी जी, आपसे माफी कि आपकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि हमारा समय बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया। थैंक हम यू तो सो मच। प्रियंका जी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं बस। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।